अब जोजो की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अपने चित्र में इंसान चाहिए तो नहीं था, पर अब ये तुम्हारी सजा समझो। ये हम कहाँ फंस गए? अभी पता चल जाएगा। हमें जल्दी बुलाकर ये जग्गू का बच्चा कहाँ रह गया? सब रे रखो कालिया, वो कुछ खास सरप्राइज देने वाला है। दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर जोजो द मामा, और आज वो ढोलकपुर आए हैं और हम जा रहे हैं उनसे मिलने। ये ये हिल कैसे रहे हैं और ये कुर्सी? क्योंकि इन्हें मैंने रंगों से नहीं जादू से बनाया है। पर तुम भी बहुत खास हो चक्कू। अब जोजो की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अपने चित्र में इंसान चाहिए तो नहीं था, पर अब ये तुम्हारी सजा समझो। पता चल जाएगा। कोई मुझे बताएगा हम आखिर हैं कहाँ? ये जोजो की दुनिया है। मैं परी रानी हूँ, वो बिगफुट, वो कक्का और वो स्पिंक्स। मैं हूँ भीम और ये है जग्गू। पर आते ही तुम यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? सब कुछ तो है यहाँ, खुली हवा, दोस्त और ढेर सारा खाना, पर आजादी तो नहीं है। हमने कोशिश की है कई बार, पर हम निकल नहीं पाए यहाँ से बाहर। अगर सबने कोशिश की है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। अरे इस चित्र से सब गायब कैसे हुए? कोई हिलेगा नहीं। ये ब्रश मुझे ही दे दे जोजो। चलो। ये ब्रश मेरे पास। और तुम? मेरे दोस्तों को छोड़ दो जोजो, वरना अच्छा नहीं होगा। जोजो की दुनिया में कुछ कमी है। जोजो की हो गई ना, जोजो की दुनिया पूरी। अरे भीम, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हम जोजो की दुनिया में खो गए थे। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियाँ जिंदा हो गई और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। कालिया, यस
छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। अपने सर पर ये बालू का पहाड़ लेकर क्यों घूम रहे हो? चुप करो जग्गू, ये आज का स्टाइल है। जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो और उसके दोस्तों की टोली।
देख के चौंक गए हैं, चीजें उल्टी पुल्टी। उलझन से निकलना है तो सुलझाओ ये मेरी पहेली। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो। आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यही कहीं होगा। मिलेगी सजा उल्टी पुल्टी। मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। दिमाग लगाया है। आईने, तू है बड़ा होशियार। सुलझा दे ये पहेली, हो जा तैयार। पहेली है कुछ बच्चों की। फंस गए हैं वो एक दुनिया में जो है उल्टी पुल्टी। बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। कितनी कमजोर है तुम्हारी पहेली। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है और इस दुनिया से वापस जाना है। यही है सही जवाब। पूछो पूछो एक और पहेली। जहाँ नीचे है जमीन और ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। ख्वाहिशों का बादशाह नाम है राकासुर। लाओगे कुछ चमकीला तो पूरी होगी एक इच्छा जरूर। राजू और मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए। मुझे अपनी माँ के लिए एक सोने की अंगूठी चाहिए। और मुझे लंबे बाल चाहिए। सुना है तुम हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। राजा सूर्या के पास एक जादुई चंदन का सिंहासन है। कहते हैं ऐसा सिंहासन राजा को प्रजा की रक्षा करने में मदद करता है। मुझे वैसा ही एक सिंहासन चाहिए। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। वाह वाह, शुक्रिया राकासुर, शुक्रिया। महाराज, गांव वालों के साथ राकासुर नाम के एक जादूगर ने बहुत बुरा किया। उसने लोगों की चीजों की अदला बदली करके पूरे गांव में लड़ाई शुरू करवा दी। क्या? हाँ भीम,
तुम सही कह रहे हो। मैंने राकासुर को तिजोरी के सारे हीरे दे दिए, हमें उसे रोकना होगा। बच्चों, इस तरह हमारे चिंगू और मिंगू ने नाच प्रतियोगिता जीत ली। तो कैसा लगा इन दो पुतलियों का नाटक है? बहुत अच्छा पुतली बाबा। एक बार फिर से नाटक दिखाओ ना पुतली बाबा। कल पुतली बाबा का नाटक फिर से होगा, इसलिए नाटक देखने जरूर आना, ठीक है? शिकार नजदीक आ रहा है। चुटकी अभी तक आई क्यों नहीं? नाटक शुरू होने वाला है। शायद वो घर पर कुछ काम में मौसी की मदद कर रही होगी। हाँ, ये कठपुतली तो बिल्कुल चुटकी की तरह लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। कल तुम लोग मेरा नाटक देखने जरूर आना, क्योंकि उस नाटक की कहानी बहुत ही लाजवाब है। चुटकी और राजू लापता हैं। भीम, चलो उन्हें ढूंढते हैं। चलो चलो। गांव से बच्चों के गायब होते ही इन पुतली बाबा के नाटक में नई कठपुतलियां शामिल हो गई हैं, जो गायब बच्चों की तरह दिखती हैं। पता लगाना होगा कि ये पुतली बाबा अपनी नई कठपुतलियां कहां से लाते हैं। अरे वाह वाह वाह, जुड़वा बच्चे, आओ मेरे पास आओ और पुतली बाबा से अपनी गेंद ले लो। शुक्रिया। पुतली बाबा को पसंद नहीं कोई भी बच्चा। बना दूंगा मैं हर बच्चे को एक कठपुतली। पुतली बाबा, तुम तो बहुत दुष्ट निकले। बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। चुटकी, राजू, नहीं तो ले जाओ। तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ पुतली बाबा। बला 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 बले रे 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 बला 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 बला। पुतली बाबा की हो गई हार, जितने भी बच्चे हैं वो हो जाएं खुशहाल। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमणि से मिलवाना चाहता था। मोनमणि एक वैज्ञानिक है जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है।
महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर यह हथियार बुरे हाथों में लग जाए तो महागड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोन मनी की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? अब हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? क्यों ना हम इस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करें? गोला हथियार जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मोनमनी, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमनी, ये क्या है? के लोगों को अकेला छोड़ दो। अब ये मेरा गांव है, मैं महाराज मून मनी। बीम, तुम वापस आ गए हारने। नहीं मून मनी, मैं तुम्हारी बेसुरी आवाज बंद करने आया हूँ। तुम बच्चे सिर्फ बहादुरी नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और तीन शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ तीन प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई कुर्राने की। यह एक भेड़िए की गुर्राहट। और फिर उन झाड़ियों से निकला एक खूंखार भेड़िया, पंजे जिसके तलवार से पहने और आंखों में उसकी गुस्सा भरा। ये
ये उस्ताद कर क्या रहे हैं? कालिया हमेशा की तरह गड़बड़ कर रहा है। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्की और डोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ढूंढे हैं कालिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांट देती हूँ। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। दारी? अरे भूत लगी है। अरे राजू कालिया मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे, इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आज मेरा साथ दीना, तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो।
अच्छी परी। अच्छी परी, आप भी? जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। Ha 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 ha!